हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम बात करने वाले एक मोस्ट मोस्ट क्या बोलते उसको जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक पे है भाई, बहुत हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक ये है हमारा, ओए फैन बनकर तो भाई टॉपिक हमारा ये है कि कल है इलेक्शन और आज हम बात करेंगे इलेक्शन पे कि भाई ये हमारे हैं मैनेजर साहब रमीज भाई किसको वोट दे रहे हैं और ये जीशान है और ये अरबाब है। अभी हम लोग सबके जाने के बाद ऑफ टाइम पे बना रहे हैं एक छोटा सा व्लॉग जिसमें हम बात करेंगे भाई हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपने मैनेजर साहब से, क्या बोलते हैं मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन हंस रहे क्यों तुम लोग यार, चाय का टी किस में मुझसे मांगते हो चलो यार, मतलब एक बंदा इज्जत दे रहा है फिर भी बोल ले यार तुम लोग हंस रहे क्यों थे वैसे, आपने इज्जत दी ना तो अच्छा चलो रमेश भाई आप बताओ भाई, आप कल जो है इलेक्शन है और मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए जैसे आपने देखा रोड में कितने पानी वानी जमा हो गए थे, तो अभी आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, क्या सीन है इस वक्त वोट देने के हालात? तो हैं जितनी खिदमत हमारे तमाम हुक्मरान ने की है तो मैं जो चाह रहा हूँ सबको एक साथ वोट दे दूँ सबको सबको मौका दूँ मैं, सबको वोट मिले किसी को भी नहीं, सबको वोट देने का सीन है, सबको मौका मिलेगा, ये भी अच्छा है भाई, हर किसी को मौका देना चाह रहे भाई ये हमारे रमीज भाई, ये मैनेजर साहब हर किसी को मौका देना चाह रहे हैं। तो भाई मैनेजर है भाई, हर किसी को मौका देते हैं पता है आप लोगों को। तो भाई अब आते हैं हम जीशान से, ये हमारे डिजाइनर साहब हैं और भाई बताओ भाई किसको वोट देना चाह रहे हो? भाई देना तो मैं चाह रहा हूँ सभी को दे दूँ, वही रमीज भाई की बात से मैं सबको कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा ना। अच्छा अच्छा रमीज भाई मैं वापस आपकी तरफ आना चाहूंगा कि भाई वो जो ये वोट दे रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि सबको वोट देते थे इसका वजह? इसकी वजह है मिल बांट के काम करेंगे ना, मिल बांट के काम करेंगे, इसलिए सब इतनी खिदमत कराची की 30-40 साल से, गलियों के पानी सबने निकाले कोई रोड ऐसा नहीं छोड़ा जो गड्ढे में ना गाड़ी जाए, कोई जगह गटर की लाइन ऐसी नहीं छोड़ी यहाँ पे बोरिया ना फंसाई भी हो कुछ ना हो, कराची रोशनियों का शहर बन गया फिर दोबारा से, ऐसी सोलर पैनल वाले बिजनेस ठप हो गए बारिश में कहीं पानी नहीं रुकता, कहीं भी नहीं रुकता है, हमने जगह जगह अपना सीवीओ बना दिया भाई, अरे आओ बीच पार्टी हो रही होती है बीच पार्टी थी कल आपने देखी क्योंकि लास्ट जो बारिश हुई है उसमें आपने कराची का हाल देख लिया होगा जो आप तेर दिन अपने घरों में पहुंचे हैं, जो आवाम पहुंची है तो उससे फिर आवाम खुद अब अपना फैसला कर ले कि वो कर ले, मतलब फैसला भी क्या होने वाला है। के बारे में एक बात और अच्छी है, ये सपोर्ट किसी पार्टी को करता है, वोट किसी और को देगा, चाहता जीते कोई और भाई कौन सी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं आप, आपको पता चल जाएगा सड़कें ऐसी हो गई है कि आपको चलने की जरूरत नहीं है, आप तैर के घर जाओ भाई के भेज दो भाई कश्ती मंगवाओ कश्ती उसके ऊपर घर जाएंगे भाई, कश्ती खरीद लो ना, आपका पेट्रोल का खर्चा ना, आपको चलने की टेंशन, बिल्कुल तैर के जाओ आप बिल्कुल आराम से। कराची से दो क्लब थे, DHA मरीना क्लब, अब तो गुलशन टेरेटी क्लब हो गया है, बफर जोन क्लब बन गया, औरंगी क्लब बन गया, गुलशन क्लब बन गया, निपर भी एक क्लब के सामने ही अभी तक, किस चीज का क्लब झील अबशार जो अच्छा। है। आप क्या समझ रहे भाई, मैं तो कुछ और कहीं और चले गया था। अच्छा सीन तो चाहिए भाई, अब पता करते हैं अरबाब भाई रह गए, ये किसको वोट देंगे भाई, आप किसको वोट दे रहे हैं कल भाई? अब देखो कौन सी पार्टी लगती है आपको काबिल है कि भाई काबिल तो बिल्कुल शुरू से सारी है, सारी पार्टी काबिल, वो यही बोल रही है कि बिल्कुल हम काबिल है, हम ही वोट दो सारी पार्टी, अब देखते हैं कल क्या होता है, क्या क्या होने वाला है, चाह रहे कि बस मैं भी सबको वोट दे दूं अरबाब भाई का भी यही है यार, सब एक गटर लाइन संभालेगा, एक रोड संभालेगा, एक सर्विस का सामान संभालेगा, एक बहुत सी
वोट देने की जरूरत ही नहीं है यार। सीन ऐसा है की कराची में पढ़ाई फ्री है, आपका ट्रांसपोर्ट तो फ्री कर दिया, ग्रीन लाइन इन्होंने ऑन कर दिया है, बारिश में पानी तो कहीं रुकता ही नहीं है। लेकिन आप माशाल्लाह बालिग हो, बालिग हो चुके हो, शादी की उम्र में पहुंचे हो, वोट नहीं दोगे? ये वीडियो मेरे अब्बा तक नहीं जानी चाहिए। तेरे लिए भाई। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। हाँ और ये शादी वादी तो लोगों की हो गई है, गवर्नमेंट तो शादी में फ्री करवा दी है। रमीश भाई ये फैसला तो आपको भी आप तो साथ देंगे ना? मैं तो इंशाल्लाह साथ हूं। सिर्फ निकाह हुआ है, हुकूमत की डिसाइड कर रहे हैं ना रमीश भाई, कौन सी हुकूमत बैठेगी तो फिर मैं हॉल बुकिंग कराऊं। यार रमीश भाई आपने बताया बन चुकी है, आपने बताया नहीं गवर्नमेंट ने आपको निकाह भी फ्री कर दिया आजकल तो यार, इतनी अच्छी गवर्नमेंट आई हुई थी, बहुत अच्छी बहुत फ्री किया, खर्चा किसी चीज पे नहीं हुआ, किसी चीज पे खर्चा नहीं हुआ, किसी चीज पे नहीं हुआ, किसी चीज पे भी नहीं हुआ, हम सामने फ्री में आके और शादी के लिए ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दिया यार गवर्नमेंट ने तो। यार क्या गवर्नमेंट ने दी यार, मजा आ गया। अभी तो बस वोट देना है, देखो किसको देते हैं भाई वोट। अरबाब तुम कुछ कह रहे थे यार, मैं सॉरी रमीश भाई ने आपकी बात काट दी थी। नहीं कोई बात नहीं थी ऐसी। आपके एरिया में बिल्कुल फुल सही निजाम है, बिल्कुल सड़के वड़के। एरिया बताओ अपने पहले। नॉर्थ कराची क्या सी फुल चका चक, फुल नागन ऐसा बना हुआ, बिल्कुल आप बिल्कुल जब जाओगे नागन की तरह बन गया। अच्छा और फुल स्विमिंग पूल बन रहा है वहां पे, फुल वीआईपी सीन, वीआईपी सबने मिलके जो बिल्कुल स्विमिंग पूल बनाया है ना, मतलब बारिश हो जाए तो करली झील जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, जरूरत नहीं है, आप वहाँ फ्री में फुल एंजॉयमेंट मिलेगा आपको, मस्त एंजॉयमेंट है। लगता है कि फुटपाथ का है और सड़क खत्म हो रही है, जब ठोकर लगती है लगता है वो तेलुगु दम को गरीबों का। अरे गरीबों का क्या यार, आजकल तो देख रहा है मैं, अबे नहीं अभी तो यार इस बारिश में तो एक नया निकला है नागन के साइड पे ही शायद, वो यार कश्ती बना है मेहरान कश्ती, अरे ऐसा मस्त चल रहा था वो, बताओ मेहरान कश्ती या आप दोस्त चल लिए भाई। ठीक ठाक कराची का हाल बिल्कुल, उन्होंने ना वीआईपी कर दिया है, बहुत वीआईपी हाल है, और बस बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा बारिश होती है तो यार मेहरान कश्ती बन जाता है, घर में पानी नहीं आता है फिर। अच्छा आपकी तरफ तो आता भी होगा, गुलशन में रहते हैं भाई, नहीं आता है औरंगी वाले भाई, पानी तो आता ही नहीं है, कल पानी पानी आ जाए तो पानी आया है, सीधी बात ये है, नो डाउट वहाँ पे संडे को बारिश की वजह से लाइन फट गई थी, जिसके तो बड़े मसले मसाले हो गए थे। अच्छा मतलब आप वोट देने वाले हैं सब पार्टी को? सबको। तो यार एक सवाल आप लोगों से भी है मेरा कि भाई सबको वोट दे सकते हैं क्या? करते हुए पता ही ठप्पा किस पे लगा रहे हो, खत्म हुई बात। नहीं क्या चेक करने की थोड़ी आते, गन पे रखे खड़े थोड़ी होते, किसको वोट दे रहे हो? यार अभी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, इनको ज्यादा पता होगा, ऐसे मुझे नहीं पता। आपका कौन सा वोट है अभी यहाँ? तीसरा वोट है। इससे पहले भी आपने सब पार्टी को वोट दिया? इससे पहले भी आपने सब पार्टी को एक ही को दिया? सबको ट्राई किया। अच्छा इस बार भी उसी को देने का इरादा है, चेंज किया आपने? इस बार अभी नहीं बता सकता, शादी भी नहीं हुई अभी, शादी भी नहीं हुई भाई, इससे पहले कुछ। भाई मैं बताऊं मैं वोट किसको दूंगा, कोई भी बंदा आ जाए, सिर्फ कोई भी एक पार्टी वाला आ जाए, शादी तुम्हारी पक्की है, बस बस वोट उसका। क्यों वाली? बस शादी होनी चाहिए। हाँ। ये तो बात सही है ना। और जीशान बस तो देखते हैं इंशाल्लाह कल क्या होता है, कल क्या होता है, कहाँ जाके
यार ये, लेकिन यार इसका नहीं समझ में आया, काम किसी और पार्टी का करता है सही है और सपोर्ट किसी और पार्टी को करता है, वोट वोट किसी और पार्टी को देता है, ये सब करना ही ये लोटा तो नहीं कहीं माल ये सबको मिला के अपनी पार्टी बनाया है ये हमारा डिजिटल लोटा आज से। तो भाई इसी फन के साथ करते हैं यहाँ पर व्लॉग को एंड। सीन कुछ यूं है भाई, कोई दिल पे नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ तफरी थी और एक सबक भी था, देख लो कराची का हाल और सोच समझ के वोट देना जिसको भी देना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, अपने वोट को सही इस्तेमाल कीजिएगा भाई, सही इस्तेमाल कर अपने वोट को सही से, जिशान की तरह इसके तरह लोटा नहीं बनना। सही है। बाकी यार रमेश भाई ने जो बोला है सबको वोट दो, अरबाब ने भी बोला है भाई सबको वोट दो, सबको वोट देना देना सबको, हाँ सबको वोट देना, जीत जाऊंगा मैं, ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़।